नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक लेटर दिखाने वाला हूं जो बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र के समय परिवर्तन के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। जैसा कि आज है 20/4/2023, यानी कि आज से ही जो आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र है उसको एक नए समय पर खोला जाएगा एवं बंद किया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो ये अप्रैल का महीना चल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी एवं लू पड़ रही है और आगे के महीनों में भी इससे ज़्यादा गर्मी एवं लू पड़ने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर बिहार सरकार ICDS निदेशालय ने ये पत्र जारी किया है और आपके आंगनबाड़ी केंद्र का जो समय है उसको परिवर्तित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे 6 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े, जिसको लेकर बिहार सरकार ICDS निदेशालय ने बिहार के सभी DM को इस प्रकार से लेटर भेज दिए हैं और आपके आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालन है वो आज से 20/4/2023 से 3.5 घंटे कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस लेटर में और भी क्या क्या बातें कही गई है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने इस छोटे भाई के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लेटर में आगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेटर है वो बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है और ये जो दिनांक है 19/4/2023 को ये लेटर जारी किया गया है। प्रेषक है निदेशक ICDS, यानी कि ये जो लेटर है वो बिहार पटना से जारी किया गया है और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी यानी कि बिहार के जितने भी DM हैं सभी DM महोदय को ये लेटर भेज दिया गया है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर इस लेटर का जो विषय है वो आप लोग यहाँ पर क्लियरली समझ पाएंगे। भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय परिवर्तन के संबंध में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसको देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र का जो समय है वो परिवर्तन कर दिया गया है। नीचे बढ़ेंगे, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहा, राज्य में गर्मी एवं लू की लगातार वृद्धि हो रही है जिससे आगे के महीनों में अत्यधिक गर्मी एवं लू पड़ने की संभावनाएं हैं, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य व जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतनी गर्मी में अगर बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनको लू लगने की संभावनाएं हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अतः 20 अप्रैल 2023 से अगले आदेश तक आंगनबाड़ी केंद्र की संचालन की अवधि प्रातः 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक की जाती है। देखिए यहाँ पे आज से जो आप लोगों का टाइमिंग है वो 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करना है। हालांकि आप लोगों से एक क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि इतनी गर्मी पड़ने के चलते जो बिहार के सरकारी स्कूलें हैं उनको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है, तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र भी इतनी गर्मी में बंद होने चाहिए या नहीं, इसके लिए आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि ये जो आदेश है तो उस आदेश के अनुसार अभी तो आप लोगों को ये आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालन है वो 7 से 10:30 बजे तक करनी है, लेकिन आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे निदेशक महोदय का यहाँ पे सिग्नेचर दिया गया है और 19/4/2023 का यहाँ पर डेट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से थी बिहार सरकार ICDS निदेशालय द्वारा जारी की गई पत्र। तो आई होप आप लोगों को इस पत्र के माध्यम से जानकारी मिल गई होगी कि कब से कब तक आपको आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।